हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे डिजाइनर श्रग स्टाइल साड़ी। इसे आप दो तरह से स्टाइल कर सकते हैं, श्रग की तरह भी और सिंपल साड़ी की तरह भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना कैसे ये सीखते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने दो तरह के फैब्रिक लिए हैं इसे बनाने के लिए। ये मेरा जॉर्जेट का प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक है जो कि मैंने 4 मीटर लिया हुआ है, यानी कि 4 मीटर। और ये मेरा सिक्वेंस का फैब्रिक है, सिक्वेंस की स्ट्रिप बनी हुई है इसमें। और ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है, यानी कि 1.5 मीटर फैब्रिक। आपको भी इतना ही लेना है, आप प्लेन फैब्रिक इतना ही लीजिएगा और जो भी वर्क वाला आप ले रहे हैं उतना ही आपको लेना है। अब ये जो 4 मीटर यानी 4 मीटर हमारा जो कपड़ा है, इसमें से हमें 1 मीटर कपड़ा कट करके अलग कर देना है। यानी 4 मीटर में से हम कपड़ा 1 मीटर निकाल देंगे तो हमारा 3 मीटर बच जाएगा। और जो 3 मीटर बचेगा उसमें हम प्लीट्स लगाएंगे। जो साड़ी में हम पटलियां लगाते हैं ना, वो हमारा पटलियों के लिए रहेगा 3 मीटर कपड़ा, और जो 1 मीटर रहेगा वो बैक में मैंने जो डिजाइन बताया उसमें श्रग के लिए रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों कपड़े रहेंगे। ये हमारा 4 मीटर, उसमें से हम कट कर देंगे 1 मीटर, तो 3 मीटर बचेगा और ये सिक्वेंस वाला। तो देखिए, सबसे पहले मैं सिक्वेंस फैब्रिक को यहां पर फोल्ड करूंगी। लंबाई में फोल्ड नहीं करेंगे हम, इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। लंबाई में ये मेरा 1.5 मीटर है, तो ये तकरीबन मेरा 7.5 इंच लंबाई का कपड़ा है। ठीक है, ये देखिए, ये कपड़े की लंबाई, ये किनारी वाली साइड मीटर, ये हमारा है मीटर में रहता है, तो ये 1.5 मीटर है मेरा टोटल, 1.5 मीटर। और ये कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि कपड़े का अर्ज है, तो हम इसे कपड़े के अर्ज में फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े की चौड़ाई में फोल्ड किया। लंबाई इसकी 7.5 इंच है, यानी कि 60 इंच। ठीक है, और अगर मीटर में देखें तो 1.5 मीटर। तो इस तरह से मैंने किनारी से किनारी मिलाकर फोल्ड कर दिया है कपड़े को, डबल फोल्ड में। देखिए, ये इस तरह से 2 फोल्ड हो गया है हमारा कपड़ा, और हमने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड किया है। ठीक है, और ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। ये हमारा खुला भाग है कपड़े का, और बंद भाग कपड़े का मेरी तरफ है, फोल्डेड साइड मेरी तरफ है इस तरह से। अब फोल्डेड साइड पर हमें नेक की मार्किंग करना है, यानी कि गले का निशान लगाना है। तो यहां पर नेक विड्थ में लूंगी 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच। आप कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन फिर नेक में आने में दिक्कत आएगी, 3.5 बेस्ट रहेगा। तो मैं यहां पर 3.5 इंच नेक विड्थ लूंगी। तो आपको नेक में कोई हुक पट्टी ए भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप 3.5 ले लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 3.5 यानी कि 3.5 इंच नेक की विड्थ, गले की चौड़ाई ली है। अब लंबाई हम लेंगे 4 इंच। तो ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, जो सीक्वेंस वाला हिस्सा है ना, ये हमारा आगे दिखेगा, फ्रंट का पार्ट रहेगा। तो 4 इंच यहां पर मैं गले की लंबाई ले रही हूँ फ्रंट में। 4 इंच मैंने नेक की लेंथ ली है और 3.5 मैंने विड्थ ली है। अब इस तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी है। नेक की लेंथ और विड्थ फ्रंट में अलग रहेगी और बैक में अलग रहेगी। अब यहां पर हम इसे साइड कर देते हैं। और जो 1 मीटर कपड़ा, ये वही है जो हमने 3 मीटर में से 1 मीटर कट करके अलग किया था ना, ये वही 1 मीटर कपड़ा है। और 1 मीटर की अगर लंबाई में इंच में बात करें तो ये 40 इंच कपड़ा है। और सेम मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है जैसे मैंने सीक्वेंस वाले कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड किया था ना, लंबाई में हमने फोल्ड नहीं किया है, 1 मीटर कपड़े को हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। देखिए, ये कपड़े की लंबाई है और हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया, ये 2 फोल्ड में मैंने रखा हुआ है। देख सकते हैं, मेरी तरफ कपड़े का बंद वाला भाग है और इसमें भी हमें गले का निशान लगाना है। तो देखिए, जो सीक्वेंस की हमने यहां पर अभी फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने कटिंग की थी, उसे ही एज इट इज रखकर हम नेक की विड्थ का मार्क कर लेंगे। आप नॉर्मली भी 3.5 लेकर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि गले की चौड़ाई नेक विड्थ तो हमने 3.5 इंच लिए, तो मैं इसी तरह से यहां पर मार्क कर रही हूं। ठीक है, अब लेंथ अलग रहेगी और फोल्डेड साइड दोनों की मैच होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी फोल्डेड साइड पर ही गले का मार्क करना है, इस बात का ध्यान रहे। और यहां पर मैं नेक की लेंथ 2.5 इंच लूंगी जो कि बैक पार्ट में रहेगी। ये प्लेन हिस्सा हमारा बैक में आएगा, तो मैंने 2.5 नेक की लेंथ ली है और विड्थ तो हमारी सेम है। और फ्रंट में नेक लेंथ हमने 4 इंच लिए, यानी कि 4 इंच। अब इसे भी हम कट कर देंगे, इसमें कोई शोल्डर वगैरह की कटिंग आपको नहीं करना है। तो इस तरह से कटिंग हो गई। देखिए, यहां पर मैं लंबाई आपको नाप कर दिखा देती हूं, ये हमारी 40 इंच समथिंग आ रही है। तो इतनी ही आपको ले लेना है, 1 मीटर कपड़ा जो होता है इतनी ही आपको ले लेना है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूं, ये इस तरह से रहेगा हमारा। ये देखिए, ये गले का निशान है। अब इस गले के कपड़े को आपको इस तरह से पतला पतला डबल फोल्ड कर लेना है, आपको कैनवास वगैरह से नहीं करना है। देखिए, इस तरह से हमें पतला पतला डबल फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को कर लेना है। तो ये राइट साइड मैंने ली हुई है, तो हम इसे पलट लेंगे। देखिए, उल्टी साइड मैंने ले ली है और इस तरह से पतला सा फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड लेंगे पतला सा और फिर एक और बार फोल्ड कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल पतला फोल्ड करना है, ज्यादा मोटाई में आपको फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरह से यहां पर हम डबल फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिए इतना पतला। अब इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे
पतला पतला सा डबल फोल्ड करना है, इस बात का ध्यान रहे, और सिलाई लगाते जाएंगे। आप यहाँ पर कोई बुकरम से पट्टी मत तैयार कीजिएगा, क्योंकि वो एज इट इज दिखेगी हमारा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, और जब आप पट्टी ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो लुक भी अच्छा आएगा, बिकॉज साड़ी का फैब्रिक है, तो आप इसी तरह से फोल्ड कीजिएगा। और यहाँ पर जिस तरह से मैं नेक को करती जा रही हूँ आप भी करती जाइएगा, तो ताकि आपका जो परफेक्ट राउंड शेप है ना वो बना रहे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, जो फ्रंट में हिस्सा आएगा उसको देख सकते हैं आप फिनिशिंग। अब बैक के पार्ट को भी मैंने ले लिया है, और इसी तरह से हम इसका भी कपड़ा डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बैक में भी सेम इसी तरह से फोल्ड करना है आपको, पतला पतला से डबल फोल्ड कर लेना है आपको टू फोल्ड में। तो इस तरह से पाइपिंग की तरह रहेगा आपका, सेम ऐसे ही हम फ्रंट और बैक दोनों को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है, देख सकते हैं आप फ्रंट और बैक दोनों फोल्ड हो गए हैं। अब हमें इनके शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया, ये इसकी राइट साइड यानी कि सीधी साइड ली हुई है। अब इस पर हम हमारा बैक का पार्ट रखेंगे और बैक की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, ये ऊपर जो है ना ये रॉन्ग साइड रहेगी, तो दोनों की राइट साइड अंदर हो जाएगी। अब हमें जॉइंट करना है, तो गले को बिल्कुल गले से मिलाना है, इस तरह से बराबर से मिलाना है, और हम पिंस लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने पिन लगा ली, इधर भी बिल्कुल नेक को बराबर रखेंगे और पिन लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पिन अप लगा लेना है आपको शोल्डर में। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है शोल्डर में, तो किस तरह से सिलाई लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, और इधर भी हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई लगाएंगे। तो आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे, यानी कि हाफ हाफ इंच का। तो इस तरह से हाफ हाफ इंच लेते हुए सिलाई लगाना है। गले में 2 से 3 बार पैक कर दीजिएगा, 2 से 3 बार सिलाई रिपीट लगाकर इस तरह से शोल्डर के इस पॉइंट से लेकर गले से लेकर शोल्डर तक आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका कपड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। अभी हम इसे फोल्ड करेंगे, अब इस साइड भी पिंस को निकाल देंगे और नेक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 बार सिलाई घुमा दीजिएगा ताकि निकले नहीं, और इधर भी हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन ले लेंगे सिलाई का, और इस तरह से स्टिच कर देंगे शोल्डर्स को। यहाँ पर शोल्डर पर आपको कोई भी कटिंग नहीं करना है, इस तरह से सिंपली स्टिच कर देना है। तो ये मैंने स्टिच कर दिया है और इसकी राइट साइड है। अब हम इसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा पहनने के बाद, और किनारी भी नजर आएगी। तो यहाँ पर ये किनार वाली साइड है, तो हम रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड करेंगे और कपड़ा भी हमारा लेवल में आ जाएगा, दोनों कपड़े बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे, आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और इस साइड को भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड से एक फोल्ड और फिर एक फोल्ड, एक एक इंच इतना फोल्ड करेंगे, पहले हाफ इंच का फोल्ड फिर हाफ इंच का फोल्ड। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है और एक साइड से मैं स्टिच करूंगी इसे, एक फोल्ड किया फिर एक और फोल्ड किया, और इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड्स को सेम तरीके से। इसी तरह से डबल फोल्ड करके हमें स्टिच करना है, तो इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, और जब हम वेयर करेंगे तो काफी ब्रॉड भी नहीं होगा ये, वरना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और दोनों जो कपड़े हैं इक्वली हो जाएंगे। पहले से आपको फोल्ड करके नहीं रखना है, शोल्डर्स को ज्वाइंट कर फिर ही आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है, एक इंच का पहले हमने हाफ इंच फोल्ड किया फिर हाफ इंच, और ऐसा ही उस साइड भी करना है, जो दोनों साइड्स है ना हमारी, उन दोनों साइड्स में आपको फोल्ड करना है। ये मैं आपको एक साइड्स कर बता रही हूँ, सेम इसे ही आपको एक साइड भी कर लेना है। ये देखिए ये हमने अभी सीक्वेंस सीक्वेंस के कपड़े में फोल्ड किया, और जो 1 मीटर कपड़ा देखिए यहाँ पर शोल्डर का जॉइंट आया है, तो इस जॉइंट को आपको बैक की तरफ रखना है। बैक की तरफ प्लेन कपड़ा है ना, उधर मैंने झुका दिया है, फ्रंट की तरफ मत रखिएगा। इस तरह से हम एंड तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर 2 सिलाई आपको नहीं लगाना है, सिलाई एक ही लगाना है डबल फोल्ड करते हुए, और ये किनारे के रेशे जो है ये भी हमारे दब जाएंगे इससे। तो इस तरह से मैंने नीचे तक फोल्ड किया है। अब नीचे जो ये प्लेन कपड़ा है ना 1 मीटर, यहाँ पर आपको नीचे भी फोल्ड करना है, नीचे हमारा बॉटम रहेगा जो बैक में नजर आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने डबल फोल्ड किया है 1 इंच का, पहले हाफ इंच का फोल्ड किया फिर हाफ इंच का फोल्ड किया, तो टोटल हमारा 1 इंच का फोल्ड हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से नीचे की तरफ भी आपको फोल्ड कर लेना है प्लेन वाले कपड़े में। सीक्वेंस वाले कपड़े में फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ प्लेन कपड़े में ही करना है। सीक्वेंस वाले कपड़े में क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए अब ये बचा हुआ था हमारा 3 मीटर कपड़ा, जो कि हमारा पटलियों के लिए इस्तेमाल होगा साड़ी में। तो ये 3 मीटर कपड़े को आपको पूरा खोल लेना है, ठीक है। और इसमें 2 साइड रहेगी अब 3 मीटर कपड़े में, तो एक साइड जो रहेगी ना इसमें आपको ये सीक्वेंस वाला कपड़ा ज्वाइन करना है। तो जो सीक्वेंस की हमने कैप तैयार की थी ना, इस कैप को आपको ले लेना है। देखिए जो कैप हमने तैयार की है इसमें एक साइड तो हमने प्लेन फैब्रिक को ज्वाइन कर दिया है, जो कि हमारा 1 मीटर का कट था, 1 मीटर का जो टुकड़ा कट किया था हमने 40-42 इंच का, उसे हमने एक साइड तो जोड़ दिया है नेक से नेक मिलाते हुए। अब जो बची एक साइड है सीक्वेंस वाले कपड़े की, वर्क वाले कपड़े की, इसकी एक साइड पर हमें 3 मीटर वाला कपड़ा ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये प्लेन कपड़ा यहीं से हम ज्वाइन करेंगे, तो मैंने सीक्वेंस वाले कपड़े की राइट साइड ली हुई है, और ये जो 3 मीटर वाला
कपड़ा है, इसे हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, तो इसकी भी हम राइट साइड बाहर की तरफ रख लेते हैं। इसका एक कोई सा भी साइड आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये एक साइड ले लिया है। अब दोनों की राइट साइड है हमारी, इसकी भी राइट साइड है और इसकी भी राइट साइड है, तो हम इस पर पलट कर रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसे सीधा सीधा जॉइंट नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है वीडियो को, इसलिए आप पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सिक्वेंस वाले कपड़े को फोल्ड किया है, तो ये छोटा हो गया है। तो ये जो कपड़ा है ना प्लेन वाला, इसे हमें एक साइड थोड़ा सा निकालना होगा, क्योंकि ये 2.5 इंच हमारा निकलेगा। सिक्वेंस वाले कपड़े की चौड़ाई कम हो गई हमने फोल्ड किया, तो इसे जो आपको निकालना है वो आपको फॉल वाली साइड निकालना है। जो आपका ये जॉर्जेट का कपड़ा प्लेन हमारा रहेगा, इसमें जो फॉल लगती है ना, उस वाली साइड में हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, वो निकाल देना है। ऊपर की तरफ नहीं निकालना है, नीचे की तरफ इस कपड़े को निकालना है। तो आप पहनकर देख लीजिएगा। तो देखिए ये साइड मैंने यहां से बिल्कुल बराबर रखा है दोनों कपड़े को, क्योंकि ये जो है हमारा अंदर जाएगा पेटीकोट के अंदर इस तरह से, और यहाँ जो कपड़ा फॉल वाला रहेगा ये हमारा, यहां से ये हमारा थोड़ा बड़ा निकलेगा। ये देखिए, तो ये इधर से बड़ा रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे सिलाई करके फोल्ड कर लेंगे, जो हम सिलाई लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक साइड निकालना है, जो फॉल वाली साइड रहेगी उस साइड आपको ये कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका वो निकाल देना। इधर से जो हमारा अंदर जाता है पेटीकोट के अंदर फोल्ड होने में, उस तरह से उस तरफ से आपको बिल्कुल बराबर रखना है। तो देखिए वो हमारी साइड है पेटीकोट के अंदर जाएगा फोल्ड होने में, और ये साइड यहां पर देखिए मैंने सिलाई भी लगा ली है और फोल्ड भी कर लिया है, ठीक है। आधा आधा इंच का मार्जिन लगाकर सिलाई लगा ली, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे फोल्ड की तरफ आता है उसे मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब ये जो कपड़ा है ये 3 मीटर ये हमारा पटली होने में जाएगा, और ये सिक्वेंस का कपड़ा है 1.5 मीटर हमारा, ठीक है, जो हमारा फ्रंट में नजर आएगा पल्लू की तरफ, और ये 1 मीटर कपड़ा है जो हमारा बैक में नजर आएगा। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको साड़ी का फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसे पहनना कैसे ये भी देख लीजिए। तो सिंपली आप साड़ी पहनते इस तरह से पहन लेना है, उसके बाद पटली देने इतना कपड़ा आपको ले लेना है इस तरह से। ये देखिए पटली लगा देंगे हम, उसके बाद जो सिक्वेंस वाला फैब्रिक है इसे आपको नॉर्मली साड़ी पहनते हैं, अब आपको इसे गले में डाल लेना है, इस तरह से गले में डाल लेना है, और सेट देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा। और बेल्ट लगाना चाहे तो बेल्ट लगाकर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका है, आप इसे सिंपल साड़ी की तरह पहनना चाहते हो तो सिंपल साड़ी की तरह भी आप इसे पहन सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।